स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आपको हम बताने वाले थे कि तुमसर विधानसभा क्षेत्र का तुमसर शहर के बारे में, जैसा कि मैंने आपको जब भी मोहाड़ी के बारे में बताया, अभी मैं आपको तुमसर के कुछ लोगों के बीच में हमने सर्वे किया है उनके बारे में बताता हूँ। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि चरण वाघमारे यह जो विधायक है, यह अपने रवैये के वजह से ही चर्चाओं के विषय में रहे हैं। जैसा कि इनके ऊपर कई अनगिनत मामले, सरकारी कामों में हस्तक्षेप का मामला तो इन पर कई दफा दर्ज हो चुका है। यहाँ की जो तुमसर शहर की PSI जो है, महिला जो पुलिस इंस्पेक्टर है, उन्होंने भी इन पर हाल ही में, यानी जिस दिन हम अब यह शूट कर रहे थे उसी दिन यह मामला भी दर्ज हुआ था। आइए देखते हैं तुमसर शहर के जनता का क्या है कहना। हम लोग इस वक्त मौजूद है 61 नंबर की जो विधानसभा है, तुमसर विधानसभा का ये तुमसर शहर है। जैसा कि हम लोग यहाँ चरण वाघमारे यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उनके कामों का जायजा लेने के लिए पहुँचे हैं। क्या उन्होंने इस क्षेत्र का विकास किया है या विकास को इस क्षेत्र से कोसों दूर रखा हुआ है, इसी संदर्भ में हम लोग आज तुमसर शहर में आए हुए हैं। और तुमसर शहर में जानने का मैं कुछ लोगों से प्रयास करूंगा कि चरण वाघमारे के जो काम है या उनका जो विकास का एजेंडा है वो कित तक जनता के हक में जाता है। आइए मेरे साथ कुछ देखते हैं। क्या नाम है आपका? नीरज गौर। गौर जी बताइए, यहाँ के जो विधायक है चरण वाघमारे, तो इनके कामों से यानी आपको लगता है कि इन्होंने यहाँ क्षेत्रीय जो स्थानीय विकास होता है वो उसके माध्यम से कुछ काम किए? नहीं नहीं, वैसा तो ऐसा कोई विकास यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। आप भी अगर से गए होंगे तो शहरों की सड़क वगैरह देखे जी हो आपने। ये अभी सिर्फ 6 महीने भी नहीं बचे इलेक्शन के लिए, उस समय उनको जनता की याद आ रही है। अच्छा। इनसे 4.5 साल पहले कहाँ गए थे? 5 साल पहले भी उनकी सरकार थी और उनके सत्ता के विधायक थे वो यहाँ के। उन्होंने इस क्षेत्र में बिल्कुल निगलेट टाइप काम किया। यहाँ के विधायक रहने के बावजूद वो यहाँ नहीं रहते। अच्छा। उनका मकान भंडारा में है जबकि दूसरी विधानसभा है। हाँ। यहाँ पे सिर्फ एक नाम मात्र ऑफिस खोल के रखा हुआ है। अच्छा। कि यहाँ के रहवासी दिखाने के लिए, बाकी क्षेत्र के लिए उस विधायक ने क्षेत्र के लिए कभी कोई ऐसा क्षेत्र का विकास हो उस माध्यम से कोई काम नहीं किया। तो आपकी नज़र में वो यहाँ के जो तुमसर शहर के विकास के माध्यम में, यानी तुमसर विधानसभा का, यानी जो तुमसर का विकास है उसके, इसमें वो विफल है या सफल है? नहीं, विफल, पूरी तरह विफल, पूरी तरह से विफल। सफल का तो कोई नामो निशान नहीं है, पूरी तरह विफल विधायक है वो। अच्छा। आज की तारीख में अभी कुछ देर पहले अभी वहाँ पे उनके ऊपर एक FIR और दर्ज हुई है। 2 दिन पहले वो शासकीय कामों में अड़थड़ा लगाने के चक्कर में ASI का हाथ पकड़कर उनके ऊपर विनय भंग का केस लगा हुआ है, अभी चालू है पुलिस स्टेशन। अच्छा, तुमसर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज? जस्ट चालू ही है। चालू ही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गौस है। गौर जी बताइए, तुमसर शहर के विकास में यहाँ के जो विधायक है चरण वाघमारे, वो सफल है या असफल है? वो सफल है या असफल है ये नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि वो असफल है। अच्छा। और असफल क्यों है? जो शासकीय मुद्दे छोड़ के, हाँ, जो शासकीय काम छोड़कर इन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र में एकच काम किया है कि भाई गौस कुरैशी के क्या वीक पॉइंट है उसको निकालो और गौस कुरैशी के ऊपर में या किसी के ऊपर में FIR दर्ज करो। अच्छा। दूसरी बात क्या है कि भाई इन्होंने एक किट वाटअप किया। हाँ। लोगों को ये बताने की कोशिश की कि भाई भंडारा जिले के अंदर में इस तुमसर मतदार संघ में इतने रोजगार है, वो शासन को दिखाने के लिए किया। इन्होंने किट बांटी, किट ऐसे लोगों को बांटी है उन्होंने कि जो कामगार नहीं है, जो कामगार बांधकाम के काम पे नहीं जाता, सिर्फ राजनीति फायदा उठाने के लिए उन्होंने इस तरह से प्रोपेगंडा किया। जबकि शासकीय योजना के अंदर 3000 पुस्तिका पंचायत समिति के अंदर में आई थी, लेकिन पंचायत समिति के अधिकारियों के ऊपर में दबाव डालकर 2400 पुस्तिका अपने अंडर में की और अपने कार्यकर्ताओं को बांटा, और कार्यकर्ताओं को बांटने के बाद में ऐसे कार्यकर्ता ने उस किट को उन लोगों को पुस्तिका दी जो कभी बांधकाम में गया नहीं होगा। कोई रेडीमेड का धंधा कर रहा है, कोई हॉस्पिटल में आया का काम कर रही है, कोई नर्स है, इन ऐसे लोगों को इन्होंने किट बांटा। आज वो किट बांट का ये उद्देश्य क्या है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, यानी आपको लगता है कि अंधा बांटे रेवड़ी और आपस में ही बांटते रहे, इस तरीके से उन्होंने काम इस तरह से हुआ? आज तक के हमारे यहाँ पे भंडारा जिले में 4.5 वर्षों के अंदर, ये 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, कभी लेडीज लोगों के पास में खेत के अंदर में घोंसी बांटने नहीं गए। आज पहली बार घोंसी बांटने गए, 5 रुपए की घोंसी बांटकर क्या हथियाना चाहते ये अपने को नहीं मालूम, ये इनके हथकंडे। आज महाराष्ट्र शासन के अंदर, आज हमारे भंडारा जिले के अंदर में जो उद्योग धंधे हैं
खम्बाटा यहाँ से कुछ दूरी के ऊपर में, आज वो खम्बाटा इतनी बुरी तरह बंद है, वहाँ के लोग बेरोजगार है, इन्होंने वो खम्बाटे को अभी तक ही चालू नहीं किया। अच्छा, यानी यहाँ रोजगार के कोई साधन उन्होंने मुहैया नहीं कराया? मुहैया नहीं कराया, कोई नई फैक्ट्री उपलब्ध नहीं कराई, कुछ कहा नहीं। दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ पे किसानों के लिए जो आवाज़ उठानी चाहिए थी विधान भवन के अंदर में, इन्होंने किसानों की आवाज़ तो नहीं उठाई, सिर्फ महाराष्ट्र शासन में रहकर उंदीर घोटाला करके छुए मार के उन्होंने वहाँ पर आवाज़ उठाई, जो कि आज क्या हुआ उस उंदीर मार का तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन शासन आपको ऐसा लगता है कि आपके विधानसभा के जो विधायक वो निष्क्रिय है? नहीं नहीं, आज ये कहने का मकसद ये है, निष्क्रिय भी नहीं बोलते आता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो किसान भाई है, जो माननीय सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे ने ये कहा था लोकसभा के पहले कि युति के लिए खड्ड्यात किसानांचा काय करून राहिला, तुम्ही किसानांना पीक विम्याचे पैसे दिले काय, तर आजपर्यंत वो किसानों के कोई पीक विमा के पैसे मिले नहीं है, सिर्फ ये लोग जाहिरात देते हैं, आश्वासन देते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते कि हमने इतना काम किया, ऐसा काम किया, लेकिन यहाँ की जनता, भंडारा जिले की जनता बहुत ही त्रस्त है। अच्छा, रहा सवाल एक बार, हाँ बोलिए आप। यानी मुझे एक बात बताइए, यहाँ स्थानीय रोजगार जो थे, हाँ, पहले जो थे वो सारे खत्म होने की कगार पर। आज एक बात बताओ, महंगाई इतनी बढ़ गई है, आज आप इस सराफा लाइन से जाइए या कपड़ा लाइन से जाइए, इनके जमाने में महंगाई इतनी बड़ी 40,000 रुपये तोला सोना हो गया। आज उस जमाने के अंदर थोड़े बहुत राहत मिली थी, सोना मिलते था, एक गरीब भाई जो खेत के अंदर मजदूरी करके कुछ पैसे जमाती थी और वो अपने बच्ची के लिए, शादी के लिए दो दो मनी तो भी लेती थी, लेकिन आज ये स्थिति है कि उस सराफा लाइन के अंदर में एक भी आदमी आपको नज़र नहीं आएगा, सराफा लाइन वाले ऐसे सर के ऊपर में हाथ दे के बैठे हुए है। ये मंदी का कारण है जो इस तरह से यानी यहाँ पर हो रहा है। हमको तो ये विचार आ रहा है कि यहाँ से हमारे जितने भी दुकानदार भाई है, उन दुकानदार भाइयों ने बैंकों से लोन लिया है, उनके पास चार चार एम्प्लॉइज काम करने वाले है, वो इलेक्ट्रिक का बिल देते हैं, आज ये है कि साहब वो अपने जेब के अंदर में 2,000 रुपये सुबह से बैठ के 2,000 रुपये तक नहीं ले जाता, तो उसने बैंकों का कर्जा कैसा देना चाहिए, उन्होंने नौकरों का पगार कैसा देना चाहिए, उन्होंने अपना घर कैसा चलाना चाहिए, यानी इस जगह समस्याओं के अंबार लगे हुए हैं। और मैं और इनसे जाने, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शोपान श्रावणकर। श्रावण जी, महत्व का मुद्दा है मेरा, बोलिए ना। महत्व का मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ पे जो ईवीएम मशीन के बारे में इन्होंने बोला, मैं निवडणूक आयोग से सहमत हूँ, इन्होंने कोर्ट के अंदर निवडणूक आयोग ने ये कहा कि हमारी ईवीएम मशीन बिल्कुल व्यवस्थित है, मैं उनके कहने के अनुसार मान्य करता हूँ कि ईवीएम मशीन बिल्कुल सही है, लेकिन ईवीएम मशीन जब मतदान केंद्र में पहुँचती है तो वो बंद क्यों पड़ती है, उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है, उसके लिए दो दो घंटे तक ये जो मतदाता लाइन में लगे रहते हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर ऐसा है तो हमारे निवडणूक आयोग ने एक काम करना चाहिए, कोर्ट के अंदर में एक एफिडेविट देना चाहिए कि भाई जो ईवीएम मशीन दे रहे हैं ये बराबर है, ये कोई मतदान केंद्र के अंदर बंद नहीं होंगी, अगर बंद होंगी तो वहाँ का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो जिम्मेदारी जिसको दी है, उसको आप निलंबित करो। और इतना भी नहीं होता है, वहाँ पे आप क्या करते, कीचड़ मिचड़ करते हैं और ईवीएम के अंदर हमारी ठीक हो गई करके बोलते। और मैं जानने का प्रयास करता हूँ, क्या आप? मेरा सर सोपान श्रावणकर। अच्छा, मैं लाइफ इंश्योरेंस का काम करता हूँ। अच्छा, नहीं मुझे एक बात बताइए, यहाँ के जो विधायक हैं उनके माध्यम से इस तुमसर शहर का क्या क्या विकास हुआ है? विकास कुछ नहीं हुआ, गुंडागिरी ज़्यादा हुई। अच्छा, और लोगों को दहशत फैला दी है उन्होंने। हाँ, और लोग त्रस्त है। अच्छा, आज जो एक जो कांड हुआ, आज पुलिस का काम पुलिस कर रही है। हाँ, जिस आदमी ने एफआईआर दिया पुलिस अपना काम कर रही है, उनको गुनाह दाखिल होगा, मगर जो भी एक्स वाई जेड कोई भी होगा। हाँ, मगर ये लोग जो मोर्चा लेके जा रहे हैं, कार्यकर्ता को अपना प्रेशर से गुंडेशाही यहाँ चल रही है। अच्छा, तो आमदार के आपको ऐसा लगता है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक है? हाँ, वो यहाँ के विकास पे कामों पर ध्यान नहीं देते हुए यहाँ केवल दहशत फैलाने का काम करते हैं। और अपने पूरे कार्यकर्ता दहशत फैलाने के काम करते हैं, दहशत फैलाने का। हाँ, अभी आप, मैं आपको माइक पे दे रहा हूँ, अगर मालूम हो जाएगा। हाँ, तो मेरे घर में भी आके वो मेरे को धमकी देगा, मारने की कोशिश करेंगे। अच्छा। हाँ, यानी इस तरीके का उनका काम व्यवहार है। हाँ, और मैं लोगों से जानने का प्रयास करूंगा, कोई है?
कोई और देश में अभी इंश्योरेंस देश में राज्य में रोजगार नहीं है, बेरोजगार है। हाँ। कोई अगर महाराष्ट्र में ऐसा बोले भंडारा जिला तुमसे तो मैं का महाराष्ट्र शासन की 5 साल में एक आधी नौकरी लगनी होगी गवर्नमेंट की तो मेरे को लाओ तुमसे शहर में। मेरा LIC का कमीशन है मंथली 80,000 रुपये में, वो जिसको नौकरी लगेंगी गवर्नमेंट की महाराष्ट्र शासन की मैं उसको 80,000 रुपये महीना अपनी तरफ से देने को तैयार हो। ऐसा कोई 5 साल में लगी कोई ऐसा कैंडिडेट ला। आपका कहना है कि 5 साल में यहाँ कोई रोजगार वगैरह कोई साधन? किसी को नौकरी नहीं मिली महाराष्ट्र शासन में, सिर्फ महाभर्ती बोलते हैं मेगा भर्ती, किसी को नौकरी मिली अच्छा, नहीं। ये जो हाँ। इलाका है तुमसर जो है यहाँ लगभग इंडस्ट्रीज भी है तो इंडस्ट्रीज अभी शुरू है कि बंद हो गई है? बंद है इंडस्ट्रीज बंद है, BJP के कारण है बंद करना। एक झंडा लगा था अभी चालू करो, एक बोलता है मैं अभी बंद कर रहा हूँ, यानी एक शिवसेना का लीडर था वो बोलता है चालू करो और BJP का लीडर बोलता है मैंने आर्डर लाया, मगर अभी तो खंभाड़ा चालू हुआ नहीं जो फैक्ट्री है और इसी की वजह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बस आश्वासन दे रहे हो रहा है हो रहा है। अच्छा। लगभग अभी हमने और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? नामदेव निखाड़े। निखाड़े जी बताइए यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने इस तुमसर शहर का विकास किया है या नहीं किया? विकास तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा विकास कुछ हुआ नहीं। हाँ अच्छा, 4 वर्षों में यानी अभी जैसा उनका कार्यकाल अभी खत्म होते आएगा 5 वर्षों का, तो ऐसे इसमें कोई योजना वगैरह चल रही है आपके? इसमें योजना सिर्फ पेपर के नाम पे है। अच्छा बस योजना तो वो सिर्फ जो आदमी को योजना का लाभ मिलने को ना वो आदमी को नहीं मिलता, भलतेज आदमी को मिलता है योजना का लाभ। अच्छा यानी जिनको योजना देनी चाहिए सरकार उनको नहीं मिल, उनको नहीं मिलता, सिर्फ कार्यकर्ताओं के ही कार्यकर्ताओं को अपनी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं गवर्नमेंट, जो शासकीय योजनाओं का लाभ आम जनता को जिनको मिलना चाहिए जो सही में उसके लायक है उनको नहीं मिल रहा है, नहीं दिया जा रहा, वो उल्टा उनके जो कार्यकर्ता लोग है वही बांट रहे हैं और उन्हीं को बांट रहे हैं। अच्छा, और किसी को नहीं, जो जरूरतमंद है उनको ये सारी चीजें। और ये जो योजना आई ये भी चाहिए सिर्फ रोजगार, लोगों को चाहिए। आज खम्भाटा जो प्लांट है ये बंद है कई दिनों से। अच्छा उसको यहाँ पे सिर्फ लड़ाई चलती है, वो शिवसेना वाला बोलता है मैंने वहाँ से ऑर्डर लिया, ये BJP वाला बोलता है मैं वहाँ से ऑर्डर लिया, रोजगार ये नालिया रास्ते ये बनते रहेंगे जिंदगी भर बनते रहेंगे। मेन रीजन है सिर्फ रोजगार, कोई पार्टी रहे शिवसेना रहे BJP रहे कांग्रेस रहे कोई पार्टी, सिर्फ मुद्दा रहता है रोजगार का बस। यानी रोजगार मुहैया रहेगा तो आप लोगों के काम चलते रहेंगे, आप लोगों का विकास होते रहेगा। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि यहाँ के जो विधायक है वो सक्रिय है कि निष्क्रिय है यानी विकास के मामले में? विकास तो ढंग का है ही नहीं यहाँ पर, विकास यहाँ कुछ नहीं हुआ है, यानी यहाँ केवल लोगों को गुमराह किया जाता है, गुमराह कराया जाता है, सिर्फ कुछ नहीं है। अच्छा लगभग मेरे साथ अभी तुमसर शहर के लोग जुड़े हुए थे और यहाँ के लोगों ने अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराया, जैसा कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक है चरण वाघमारे जी वो अपने ही कार्यकर्ताओं में सारी योजनाएं बांटते हैं, आम जनता योजनाओं से दूर होती है। और अभी यहाँ जो डेवलपमेंट दिख रहा है, जो रास्ते नालियां बन रही है, यहाँ के लोगों का कहना है कि ये अभी 6 महीने पहले ही शुरू हुए हैं, पिछले 4 सालों में कोई भी काम नहीं हुआ है। लगभग यहाँ पूरा हमेशा जितना भी जो योजनाएं चलती है वो सारी योजनाएं उनके ही कार्यकर्ताओं के लिए होती है, बाकी यहाँ के लिए आम जनता के लिए कोई योजना या आम जनता के लिए कुछ नहीं होता है। देखा आपने, अगर हमारे कैमरे के सामने अगर कोई स्टेटमेंट चरण वाघमारे के कामों के बारे में भी अगर गलत बताता है तो उसे भी अपनी जान का खतरा होता है। आपको दिखाया हमने, जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं आपके सामने अभी जो बोल रहा हूँ ये बातें भी अगर चरण वाघमारे जी को पता चले तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। ऐसे विधायक आम चुनते हैं। अगर मान के चलिए कि जो विधायक होता है वो विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, लेकिन प्रतिनिधि के ही अगर रवैये को आप अगर इस तरीके से देखते हैं, अगर जनता के जान के दुश्मन बन जाते हैं तो क्या कहेंगे आप ऐसे विधायकों को? बने रहिए MNS न्यूज के साथ, देखते रहिए MNS न्यूज।